घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, लेसन टू लय का स्वागत है आपका इस लेसन टू में। और जैसा कि प्रीवियस एपिसोड में आप सीख चुके हैं लय को ऑब्जर्व करना, लय के साथ टैप करना, एंड लय के साथ टैप करते हुए किसी और की बातें सुनना, लय के साथ टैप करते हुए बातें बोलना भी और बातें सुनना भी, यानी कन्वर्सेशन करना। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज होगा। तो आई होप आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और कम से कम एक दो हफ्ता उसको कर लिया होगा। देन अब आप आए हैं इस लेसन टू में। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि लय को हम ताल पक्ष से कैसे समझेंगे और ताल क्या होती है। ताल आप समझ लीजिए, इट इज़ अ बीट साइकिल, ठीक है। बीट यानी एक मात्रा, एंड जो ताल है वो एक साइकिल होती है। एक से लेकर जितनी भी हमारी बीट्स हैं उतनी तक जाएगी और फिर से एक पर आ जाएगी और रेगुलर चलेगी। जैसे घड़ी हम देखते हैं, एक मिनट 60 सेकेंड्स का कांटा होता है, एक से 60 जाता है, वापस एक से 60, सो दैट इज़ वन मिनट। तो जैसे ये एक मिनट गया एक से 60 तक, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 8 बीट्स का, तो 1 to 8 अगर हम गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 से 8, ये 8 मात्रा हैं। 1 बीट यानी एक मात्रा, एंड 8 बीट्स यानी 8 मात्राओं की एक साइकिल को हम ताल का नाम दे देंगे। एंड ताल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फिर, बट ये बेसिक सी डेफिनेशन है कि ताल तौलने के काम आती है। जैसा कि हमारे किसी भी चीज़ में होता है मेजरमेंट, कि कोई भी एक वेटेज रखते हैं हम, यहाँ 5 किलो 10 किलो, देन वहाँ उसका सामान रखते हैं कि मेजर बैलेंस होना चाहिए। सो द सेम इज़ विद द ताल, कि ताल हमारे संगीत में मेजरमेंट का काम कर रही है। गायन के साथ अगर है, वादन के साथ है, नृत्य के साथ है, तो जो भी वहाँ कंटेंट है, जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं, उनको नापने के लिए कि क्या वो उतने ही साइकिल में आई, उतने ही लिमिट में आई कि जितना की दे रखा है। क्योंकि वो हमारे संगीत में बहुत कुछ निबद्ध चलता है ना, कि एक लिमिट में चलता है, एक दायरे में चलता है, कि ये इन स्वरों से बाहर नहीं जाना, इन मात्राओं से बाहर नहीं जाना। तो वो एक 10 मात्रा या 8 मात्रा का एक फिक्स्ड बता दिया, अभी 1 to 10 एक ही गति में बजता रहेगा, इसी के अंदर आपको वेरिएशंस करने हैं, है ना। तो ये हो गई ताल, तौलने के काम आ गई, मेजरमेंट के काम आ गई। एंड उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पहला तो मात्राएं जो मैंने बता दिया, बीट्स, देन होते हैं डिविजन्स। मान लीजिए मैंने बोला 8 बीट्स की साइकिल है, तो 8 बीट्स की कई सारी साइकिल्स हो सकती हैं, है ना। 8 बीट्स की कई सारी साइकिल्स तब हो सकती हैं जब उनके डिविजन्स अलग अलग हों। कि 8 के हम कैसे कैसे डिविजन्स बना सकते हैं, 4-4 के, 2-6 के, 3-3-2 के, है ना। ऐसे करते करते कितने भी वेरिएशंस बन सकते हैं, कितने भी डिविजन्स बन सकते हैं। तो इसको कहते हैं विभाग, है ना, कि कितने भाग कर दिए हमने, उसके 2 विभाग हो गए। देन हम देखेंगे कि ये डिविजन्स हैं, देन एक डिविजन में कितनी मात्राएँ आ रही हैं वो भी हमें देखना होता है। कि मान लीजिए आपने 8 बीट्स के 2 डिवीजन किए, तो कैसे किए, 4-4 करके किए, 2-6 करके किए, 6-2 करके किए, 1-7 करके किए। डिविजन्स तो 2 ही हैं, मगर एक में कितना है वो भी चीज़ होती है, तो उसको हम विभाजन कह देते हैं। एंड देन उससे भी छंद बदल जाता है, बिकॉज एंड दिस इज द छंद। छंद क्या होता है, वो लहजा, वो एक चाल, वो एक टोन बन जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वजन बदलता है। वजन चेंज करने से लहजे और छंद में फ़र्क आता है, है ना। कैसे, अगर मैं आपको कहता हूँ 8 बीट्स के 2 डिवीजन करने हैं, 4-4 के करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 1 और 5 पे स्ट्रेस आ जाएगा, क्योंकि 4 का डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोन कैसा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कहता हूँ आप डिवीजन चेंज कीजिए, 2-6 का कर दीजिए, तो किस किस पे स्ट्रेस आएगा, 1 पे एंड 3 पे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज कॉल्ड डिविजन। डिविजन्स से बदलता है छंद, छंद से लहजा और उसका टोन आ जाता है, ठीक है। अब ये हो गई ताल, ताल में ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ताल में आती है ताली और खाली, लेकिन वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो तब देखेंगे जब ताल को हम पर्टिकुलर देखेंगे। अभी हम छंदों की अभ्यास करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको डिविजन्स, तो जो हमारे पॉपुलर इंडियन क्लासिकल, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल में कुछ डिविजन्स हैं जो पॉपुलर हैं, जो ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं, उनको हम आज सीखेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम जान लें कि 6 बीट्स, छोटी से छोटी ताल तो वैसे 4 मात्रा की होती है, मगर जो मोस्ट पॉपुलर यूज्ड है छोटी से छोटी, वो 6 मात्रा की होती है। नाम मैं बता दूंगा एक बार, हम उन छंदों को पहले लिख लें। सबसे पहले अपनी कॉपी में आप नोट कीजिए, 1 to 6 तक बीट्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके। देन 3 के बाद एक ऐसे डंडा लगा दीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारी 6 बीट्स के 2 डिविजन्स, 3-3 के, ये हमारा पहला डिविजन है। सेकेंड डिविजन आता है 7 बीट्स का,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक लिख लिया, देन थ्री के बाद एक डंडा लगाइए, फिर दो मात्रा के बाद एक डंडा, तो ये हो गया थ्री टू टू, ये हमारा सेवन बीट्स का डिवीजन होता है। देन आइए एट बीट्स पर, जो कि वन टू थ्री फोर डंडा फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो गया। देन आप आइए टेन बीट्स के डिवीजन पे, टेन लिख दिया, उसके बाद वन टू डंडा थ्री फोर फाइव डंडा सिक्स सेवन डंडा एट नाइन टेन, ये हो गया टेन बीट्स का डिवीजन। देन आएंगे हम 12 बीट्स के डिवीजन पे, 12 मात्रा लिख के हर दो के बाद एक डंडा आप लगा सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन आते हैं मोस्ट पॉपुलरली इंडियन क्लासिकल ताल पे, जो 16 बीट्स का डिवीजन है, 16 बीट्स लिख के 4 4 के बाद आप एक डंडा लगा दीजिए। तो ये आपने सबसे पहले एक पेज पे 6 छंदों को नोट कर लिया, ये ताल नहीं है, ये छंद हैं अभी, क्योंकि इनके कोई बोल निश्चित नहीं है, ताल में बोल निश्चित होने चाहिए, उनकी ताली खाली निश्चित होनी चाहिए, अभी हमें ये छंद समझने हैं, अभी इनमें कोई ताली खाली नहीं लगानी, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। ये छंद आपके सामने है, लहजा मैंने आपको बता दिया कि डिवीजन से आपको स्ट्रेस बदलना है, वजन बदलना है, तो डिवीजन का छंद बदलेगा, ठीक है, उस ताल का। तो ये लय वही 50 का टेम्पो, 6 बीट्स पहले टैप कीजिए, और टैप का आपको ध्यान ही होगा इस मूवमेंट, है ना। 6 मात्रा में नॉर्मल बोल के दिखाऊं तो कैसे जाएगी, एक दो तीन चार पाँच छ एक, ये 6 मात्रा मैंने नॉर्मल बोली। अब हमें इस 6 मात्रा को उस छंद के लहजे में बोलना है, तो कैसे जाएगा, तीन तक कॉन्टिन्यूसली 4 5 6 अलग, है ना, तीन तीन वो दिखने चाहिए, कैसे, इसमें आएगा टोन और स्ट्रेस, कि कैसे आपका 1 2 3 के बीच की कड़ी जो है, 1 के 2 के बीच का जो गैप जा रहा है, वो जो लय है, उसमें कैसे आप कर्व लाएंगे जिससे कि वो एक टोन बने, एंड देन 1 और 5 पे 1 और 4 पे आप स्ट्रेस देखेंगे कि वजन कैसे लाउड आया जिससे कि छंद बनेगा, लहजा बनेगा, उसका एक अलग टोन बनेगा। अभी नॉर्मल बोली थी, अब वजन देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 और 4 को हल्का लाउड एंड बाकी सारों को थोड़ा डिम, है ना, और कनेक्टेड 1 2 3 कनेक्टेड होने चाहिए, 4 5 6 कनेक्टेड होने चाहिए, ये लहजा आप अगर बनाते हैं तो एक छंद बनेगा, है ना, 1 2 3 4 5 6। इस चीज की आपको पहले प्रैक्टिस करनी है कई बार, इसको 50 बार 100 बार कितनी बार भी बोलिए लगातार, और ये टोन बिट जाना चाहिए दिमाग में। देन आएंगे हम सेकंड वाले पे, जिसमें कि 1 पे स्ट्रेस है, देन 1 2 3 रेगुलर, 4 5 रेगुलर, 6 7 रेगुलर, यानी 1 पे 4 पे और 6 पे हमें स्ट्रेस देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस चीज का बेहद ध्यान रखें कि कैसे आपको टोन मेंटेन रखना है और स्ट्रेस मेंटेन रखना है। जो कड़ियां जा रही हैं, एक विभाग की जितनी मात्राएं हैं उनको एक साथ बोलना है, और हर विभाग की पहली मात्रा को हल्का लाउड बोलना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टोन पे, जो कि 8 मात्रा का है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आते हैं नेक्स्ट पे 10 बीट्स के डिवीजन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन आते हैं हम 12 के डिवीजन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8, ये हो गया 12 का। 16 के डिवीजन पे आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो इस प्रकार से हमने उन 16 बीट्स को, 8 बीट्स को, 10 बीट्स को, 7 बीट्स को, 6 बीट्स को, सबको बोला विद स्ट्रेस टोन, तो उससे हमारा एक लहजा बनाए और एक वो टोन बनाए। अब ये कैसे आगे ताल में प्रयोग आएगा वो हम अगले लेसन में देखेंगे, इनके बोल और पर्टिकुलर इनके क्या नाम हैं,
तब जाके उनकी ताले हम सीखेंगे। तो पहला लेसन आपने देख लिया था, लय को ऑब्जर्व करके, टैप करके, कन्वर्सेशन करके, ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। देन इस लेसन टू में आपने क्या सीखा, कैसे हम इन 6 छंदों का अभ्यास करेंगे। और भी कई सारे छंद होते हैं मगर ये थोड़े पॉपुलर हैं, इनका भी अभ्यास कीजिए। फिर आने वाले समय में हम नए छंद भी सीखेंगे, नई ताले भी सीखेंगे, जिससे कि और ज़्यादा हमें मदद मिलेगी लय को स्टेबल बनाने में। ठीक है, तो इस चीज़ का अभ्यास कीजिए और देखते रहिए संगीत प्रभा वर्ल्ड को। सब्सक्राइब करें चैनल को, लेसन 3 जल्द आएगा।